UFOs are not the only dangers you will face in the field. Avoid the lasers and defeat the enemies before the timer runs out. सो हाउ आर यू माय फेलोज, इट्स योर बॉय नॉट सो चैटी इंडियन, और स्वागत है आप लोगों का इंडियन गेमर रैंट्स के तीसरे एपिसोड में। यस, आज के एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं सियादा मरियम के बारे में, जिन्हें हम यूट्यूब पे डॉक्टर पिकाचू के नाम से जानते हैं। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इसने अपने नाम के पीछे डॉक्टर क्यों लगाया, जबकि इसको बनना डेंटिस्ट है और इसको डिग्री अभी तक मिली नहीं है। तो डॉक्टर का ही बात की है यार। और पिकाचू से पता चलता है कि ये भी है बिन्नास कावर की तरह एक अविकसित पोकीमॉन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको अविकसित पोकीमॉन क्यों बोला है बिना किसी वजह के। भाई मेरे पास वजह है, आई हैव ए वेरी बिग रीजन, एंड दैट इज शी इज अ वेरी बिग फैट लायर। इसने इतना झूठ बोला है ना पाकिस्तानी कम्युनिटी को। वैसे तो नेशनलिज्म का कोई बात आता नहीं है, लेकिन यूट्यूब इज़ यूट्यूब यार। तुम झूठ बोलोगे भाई तो सब देख रहे होंगे यार। इसने इतना झूठ बोला है ना, आज हम इसकी की झूठ को कवर करने जा रहे हैं। तो बिना किसी मतलब के लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टाइम मैं कॉन्केव के लिए पुश करी थी और मैं बिल्कुल फेयर रैंक पुश करी थी। बस मुझसे गलती इतनी सी हुई कि मैं टीम रिक्रूट करके की खेल रही थी बार बार, क्योंकि एक प्रॉपर स्क्वाड नहीं था और मैं चाहती थी कि माइनस ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि रैंडम्स के साथ खेलन तो एक नोवो चला जाता है, एक जोर्जो चला जाता है, और फिर मेरा तो सोलो वर्सेस स्क्वाड हो जाता था। तो मैं टीम रिक्रूट करती थी, उनको लॉबी में बता देती थी कि बॉट किसी ने नहीं मारना, सेफ उतरेंगे, सेफ उतरने के बाद गाड़ी लेंगे छोटे छोटे कंपाउंड से लूट करके देन रश के। ये बात ना हर बार सच नहीं होता है कि अगर तुम रैंडम्स के साथ खेलोगे तो एक नोवा भाग जाएगा, एक विकेंडी भाग जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा। यार क्या है यार, मेरे को भी चिकन डिनर्स हुआ है भाई, मैं भी पबजी खेल चुका हूँ यार। रैंडम लोगों के साथ खेल रहा हूँ तो मुझे भी चिकन डिनर्स हुआ है, मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा। क्या जो यार, कुछ लोग रैंक पुश करने की इतनी हड़बड़ हड़बड़ रहते हैं। आराम से खेलो ना यार, रैंक पुश होगा आराम से, अगर हार भी गए तो क्या हो जाएगा यार। सो ऐसे ही टीम रिक्रूटमेंट से मेरे साथ एक बंदा है, उसका नाम टीएफ अभी था, और उसके साथ मैं जो कि शहरी, हम तीनों ने एक मैच खेला था, टीम रिक्रूटिंग की थी। तो उसका टीयर होता तो हमने उससे मैच स्टार्ट करवाया था कि लॉबी से आए, तो उसके साथ हमने एक मैच खेला। तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि जब आप किसी के साथ मैच खेलो तो आपके रीसेंट्स में आ जाते। अजीब शब्दों का खेल है यार। पहले लड़की बोलती है कि ये लड़की अकेले खुद ही लोगों को इनवाइट भेज रही है अपना टीम ज्वाइन करने के लिए, अब ये बोल रही है कि ये जोकर और शेरी तीनों मिलके एक बंदे को इनवाइट करता है। यार पहले सोच लिया करो यार, झूठ कैसे बोलना है, क्या शब्द इस्तेमाल करना है यहाँ पे, पब्लिक को ना चूतिया मत बनाओ। जब हम लोग ऑनलाइन है तो हमने उसको ऐड कर लिया, देन उसका एक और फ्रेंड भी था TFZS के नाम से, तो उसने भी उसको हमारे साथ इंट्रोड्यूस कराया और उसने बताया कि मैं आपके टिकटॉक देखता हूँ और आपका फैन हूँ। उस टाइम लॉबी में मैं जोकर और शेरी थे, ही सेड कि हम स्प्रिंट को भी जानता हूँ, तो फिर स्प्रिंट को मैंने बुलाया, स्पेशल स्प्रिंट भी आया साथ। मुझे लगा ये लड़की एक बहुत बड़ी झूठी है, लेकिन ये तो हैकर भी निकले यार। तुम लोग क्या सोचते हो यार, एक स्क्वाड में तुम कितने लोगों को ले सकते हो, चार ही लोग आएंगे ना एक स्क्वाड में, अब तुम एक पांचवें मेंबर को कैसे डाल सकते हो अनलेस यू आर यूजिंग अ हैक। क्या आपने गौर किया कि इसने पांच लोगों का नाम लिया है, इसने अपना नाम लिया, फिर जोकर, शेरी, टीएफ अभी, TFZS, भाई पांच लोग कैसे फिट कर सकते हो उस एक स्क्वाड में यार, मुझे भी समझाओ यार, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। एक दो मैचेस खेले उस दिन, उसके बाद सेकंड डे सुबह जब हमने उसके साथ एक मैच खेला है, वो ऑनलाइन था, उसने हमें इनवाइट किया, तो मे भी उस टाइम वो हैक कर रहा था, हमें नहीं पता। और जो वीडियो जो लोग बोल रहे हैं कि जी डॉक्टर पिकाचू हैकर के साथ रैंक पुश करी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैंने उसको नहीं बुलाया था, वो खुद से हैक कर रहा हो या उसने खुद वीडियो वायरल की हो तो वो अलग बात है, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बट वो उस मैच के बाद, एग्जैक्टली उसी मैच के बाद वो बैन हो। एक मिनट, अगर तुमने उसे नहीं बुलाया था तो वो तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में कैसे आ गया, उसे तुम्हें इन्वाइट कैसे किया भाई, ये बताओ ना यार। और दूसरी बात, अगर वो बैन हुआ है तो प्रूफ दिखाओ भाई,
प्रूफ दिखाओ भाई, कहाँ है प्रूफ यार, बस बोली जा रही है बोली जा रही है। कौन सी वीडियो भाई, प्रूफ ही नहीं है भाई, बताओ ना यार कौन सी वीडियो। अब हम लोग बेसिकली एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहाँ पे अगर एक लड़का बिना प्रूफ के बात करेगा तो वो झूठा है, ठीक है, लेकिन अगर एक लड़की बिना प्रूफ के बात करेगी तो सब उसे मान जाएंगे, कोई प्रूफ नहीं मांगेगा। बात ये कि अगर कोई भी इंसान इस चीज़ का क्लेम करता है ना कि डॉक्टर पिकाचू से मेरी बात हुई है, डॉक्टर पिकाचू ने मुझे ये कहा है वो कहा है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लिया करो कि उसको मेरी तरफ से कोई ऑफिशियल मेल गई है या मैंने उसे पर्सनली कॉन्टेक्ट किया है। कोई भी ऐरा गहरा उठ के बोल देगा कि डॉक्टर पिकाचू ने मुझे ये बोला है और आप लोग उसको मान लोगे, मतलब कॉन्टेंट के लिए कुछ भी, मतलब आज तक किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया कि आप कम्युनिटी के लिए इतना कुछ कर रही हो, आप इसको सपोर्ट करिए, उसको सपोर्ट करिए। मैंने आज तक किसी से 10 रुपये तक नहीं मांगे, ना शाउट आउट किए, ना वैसे प्रमोशन के, और आप लोग उठ के और किसी की भी रेपुटेशन ऐसे ही खराब कर दो, ये तो मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कम्युनिटी बढ़ने के बजाय बर्बाद हो जाएगी। वो मैंने कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। जब बोसड़ के ज्यादा मरियम, सबको पता है बहनचोद, तूने कम्युनिटी के लिए घंटा किया है, ठीक है, तूने किया क्या है कम्युनिटी के लिए, हमें प्रूफ देखा, तूने गरीब बच्चों को खाने के लिए दिया कुछ दिया है, तूने आवारा कुत्तों का रहने के लिए सही जगह, तूने किया है कुछ ऐसा, हमें प्रूफ चाहिए। बहनचोद से बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है, तो यूट्यूब पर बहनचोद पैसे कमाने जैसे सब आता है पैसे कमाने और फेम प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कोई समाज सेवा करने नहीं आता है। और रही बात इसको लोग ईमेल करते हैं लेकिन ये मेल्स का अपने मन अनुसार जवाब देती है, ठीक है, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, देखिए इन्हें अपनी नंगी पुंगी आँखों से देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दो डिवाइस पे दो अलग अलग ईमेल आईडी बन सकते हैं। आप चाहे तो मेरे को आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ, मैच कर लीजिए एक बार, वही सेम डिट्टो ईमेल आईडी है जिस पे लोगों ने इसको ईमेल किया और ये ऐसे ऐसे रिप्लाई देती, मैंने आपका कंटेंट देख लिया है, फिलहाल रैंक पुश कर रही हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको। ट्राई टू मेक 2-3K subs योरसेल्फ देन आई प्रमोट योर चैनल। दूसरे लोगों को वेट करवा दिए होते हो अपने जान पहचान वालों को, 300 subs से भी देखिए भाई शॉर्ट आउट दे रही है भाई सादा मरियम। अगर तू सबके लिए टर्म्स एंड कंडीशन सेम रखेगी ना तभी तेरे को सपोर्ट मिलेगी, ठीक है, वरना तेरे को लोग गाली ही देंगे और कुछ नहीं। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना जो लोग इसके सब्सक्राइबर्स हैं ना वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इतने मैसेजेस किए, पढ़े तो होंगे उन्होंने, क्यों नहीं पढ़े होंगे भाई, पढ़े होंगे लेकिन रिप्लाई भी नहीं किया। डॉक्टर पिकाचू को तो मैंने बोला था कि आप लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं तो बस मेरा एक काम कर दे, मेरे साथ गेम खेल ले एक बस, और बस मैं वीडियो बना लूंगा और अपलोड कर दूंगा, तो बस यही कुछ बोला था लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया। तो बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई अपनी वीडियो बनाओ, मेहनत करो और इनके पीछे मत पड़ो, भाई हम मेहनत ही तो कर रहे हैं, इतने अरसे से क्या कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जिनके साथ एक कोलाब कर चुकी है ना पास्ट में, वो भी बहुत धूत के धुले हैं, ठीक है, इस बंदे ने पहले प्रेडेटर वाइटी को मिल गया था और उसको भी कुछ खास अच्छा जवाब नहीं मिला। अब मैं आपको डॉक्टर पिकाचू के बारे में दो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा, ठीक है। पहला, इसके करियर को बूम तब मिली जब इसने अपने से ज़्यादा फेमस सनास बकेट के साथ कोलैब किया, वो वाली वीडियो थोड़ी सी वायरल हुई और लोगों ने फेस को भी सब्सक्राइब करना शुरू किया। फिर इसने NTD, स्टार अनोनमस, प्रेडेटर YT, अहमद गेमिंग और खलफान के साथ कोलैब करके अपना फ़ायदा किया है, ठीक है, तो ये कोलैब भी उन लोगों के साथ करती जिनसे इनको फ़ायदा होगा, उन्हीं के लिए रिजर्व है फ्री शाउट आउट्स एंड कोलैब्स, और बाकी आम जनता से ये पैसे लेगी। और रही बात कि 10 रुपये ये किसी से मांगते नहीं है कोलैब के लिए ना, ये ना बेसिकली इसके औकात के लिए बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है, इससे इसकी हाई स्टैंडर्ड्स नहीं दिखेंगी। ये कोलैब तभी करेगी अगर तुम इसको 11,000 दोगे, वो भी पता नहीं कैसे दोगे। दूसरा फैक्ट ये है कि डॉक्टर पिकाचू ने 3 वीडियोज़ अपलोड की हुई है सेम टाइटल के साथ, डॉक्टर पिकाचू जॉइन रैंडम स्क्वाड ऑफ गर्ल, जिसमें सपोजिटली ये एक लड़कियों के रैंडम स्क्वाड को ज्वाइन करती है, पहले वीडियो को छोड़ के बाकी दो नकली है और उन दोनों में दबा के इसको हेट कमेंट मिले हैं कि हमें लड़की साफ साफ चूतिया बना रही है। फिर इसने तीसरे वाले वीडियो में पिन किया है कि क्लिक स्क्विड इज़ माय फ्रेंड, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू फाइंड अ रैंडम स्क्वाड ऑफ गर्ल्स सो वी डिसाइडेड टू मेक इट विद अ फ्रेंड्स, दे डिडंट नो आई एम अ यूट्यूब। भाई अगर तू रैंडम स्क्वाड ऑफ गर्ल्स ज्वाइन नहीं करी तो टाइटल में ऐसा क्यों लिख रही है यार, ऐसे तो तू क्लिक बेट करके लोगों को उल्लू बना रही है और उनको और अनॉय कर रही है। सही में आए लड़की पिटने वाले काम करते हो, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि लोग इस अभी भी सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं।
अब मैं कंक्लूजन में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर पिकाचू तो अपनी गलती मान लेने वाली है, ठीक है ना, उस धरने वाले, तो इसी बात पे उसको रोस्ट करते रहो, उसको एक्सपोज करते रहो और उससे मज़े लेते रहो, और मुझे सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मैं भी एक जेनविन यूट्यूबर हूँ, ठीक है। जितने भी जेनविन यूट्यूबर्स होते हैं ना, वो आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, और इस वीडियो पे लाइक मारो अगर आपको मज़ा आया, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी भी दबाइएगा ताकि आपको पता चलेगा कि मेरी अगली वीडियो कब आएगी। अब मैं भी चलता हूँ, मेरे को बहुत सारे काम है, ठीक है, बाय बाय।